नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पेश है पीस न्यूज की खबरें सुपर फास्ट। हरियाणा के रोहतक सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, एलपीएस कंपनी के एमडी राजेश जैन, धर्मपत्नी संध्या, ज्ञानमृत की सह संपादिका बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा, मेहम सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना भी उपस्थित रही। इस दौरान सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर समेत अन्य अतिथियों ने भी सभी को शिवरात्रि की बधाइयां देते हुए परमात्मा शिव पर स्वयं की बुराइयों को समर्पित करने की बात कही। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों ने सभी को शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से भी अवगत किया। मुंबई के मलाड लिबर्टी गार्डन में त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में शिव ध्वजारोहण इस प्रतिज्ञा के साथ किया गया कि जीवन की अपनी कमी कमजोरियों को प्रभु अर्पण कर स्वयं को बुराइयों से स्वतंत्र करेंगे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद, शिवसेना शाखा प्रमुख अशोक पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, फ्लेमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा, भानु शांति सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, जन कल्याण सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने सभी को इस पर्व की बधाइयां देते हुए इसके आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत किया। गुरुग्राम के डीएलएफ फेस 3 सेवा केंद्र द्वारा नाथोपुर ग्राउंड में शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सावित्री समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की आरती कर की गई। इसके बाद संस्था के सदस्यों ने सभी को शिव और शंकर के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत किया। इस दौरान एक सुंदर नाटक प्रस्तुत भी किया गया, जिसमें परमात्मा के दिव्य अवतरण का राज बताया गया। महाराष्ट्र में राहुरी के SVMHT कॉलेज ऑफ बी फार्मेसी में नैतिक शिक्षा और सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से राज्य प्रशिक्षक बी के भगवान ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को बताया कि वर्तमान समय जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी का कारण है नकारात्मक सोच, क्योंकि यही सोच तनाव बढ़ाता है। इसीलिए तनाव मुक्त बनने के लिए सकारात्मक विचार संजीवनी बूटी है और सकारात्मक विचार से ही स्वयं को तनाव मुक्त बनाया जा सकता है। मौके पर प्रा अध्यापक संजय पवार, सतीश गोंडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बीके भगवान ने सभी विद्यार्थियों को राज्यों का अभ्यास भी कराया। ऐसे ही राहटा के शारदा शैक्षणिक संकुल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों के लिए नैतिक मूल्यों का जीवन में महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने सभी विद्यार्थियों को बताया कि नैतिक मूल्यों से व्यक्तित्व में निखार, व्यवहार में सुधार आता है। इसीलिए समाज सुधार के लिए नैतिक मूल्य जरूरी है। अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, स्वयं को जानना। आज हमें हर प्रकार का ज्ञान हो गया, लेकिन अगर आपको पूछेंगे आप सभी कौन है, इसका नॉलेज हमें सहन करना सीखना जरूरी, पूर्ण सीखना जरूरी। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र बर्डे, वाइस प्रिंसिपल राम गमे, राहता सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीतांजलि मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने संस्था का परिचय देते हुए विद्यार्थियों को सहज ही राज्यों को धारण करने की सलाह दी। साध्वी प्रीति सुधाजी गुरुकुल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा नैतिक मूल्यों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्री लाल बाबा अंकम आश्रम,
प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर इंद्रभान डांगे, स्नेहलता डांगे, इंद्रभान दादा डांगे, बीके भगवान, बीके गीतांजलि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों ने नैतिक मूल्यों पर अपने विचार सभी के समक्ष व्यक्त किए। ऐसे ही सेंट जॉन स्कूल में भी नैतिक मूल्यों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल फादर गिलबर्ट, वरिष्ठ शिक्षक प्रशांत सोनबने, बीके भगवान, बीके गीतांजलि उपस्थित हुई। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को हर समस्या का मूल कारण मूल्यों की कमी और नैतिक मूल्यों को धारण करना उसका समाधान बताया। गुजरात में सूरत के सचिन के कम्युनिटी हॉल में सोच को दे एक नई उड़ान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बिजनेसमैन राजमल, गणवंत शाह, माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बी के सूरज, राज्य शिक्षिका बी के गीता, सद्भावना सेवा केंद्र प्रभारी बी के सविता, सचिन उप सेवा केंद्र प्रभारी बी के रीना, बी के गायत्री ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बी के सूरज ने परमात्मा द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को मन बुद्धि में सहज ही ग्रहण करने की कला सिखाई। इसके साथ साथ बी के गीता ने परमात्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास आवश्यक बताया। ऐसे ही उद्योग नगर में स्थित तानिया फार्म हाउस में जिंदगी बने आसान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मेश पटेल, सचिन म्युनिसिपल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट अनु, सनलाइट एंड सन ग्रेस स्कूल के निदेशक जयसुख, बी के सूरज, बी के गीता, बी के सविता, बी के वेद प्रकाश ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बी के सूरज ने जिंदगी को आसान बनाने के लिए ज्ञान और योग का समावेश करना जरूरी बताया। मध्य प्रदेश में रीवा के झीरिया सेवा केंद्र पर नशा मुक्त समाज की स्थापना में बुद्धिजीवी वर्ग का योगदान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर राहुल जैन, डीआईजी राकेश प्रताप सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक अमिताभ श्रीवास्तव, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी एस के त्रिपाठी समेत कई बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों ने अपने विचारों में कहा कि नशा करने से समाज में अपराध वृत्ति बढ़ती है और नैतिक चरित्र समाप्त हो जाता है, अतः समाज को शिष्ट बनाने हेतु नशे से समाज को मुक्त बनाना होगा। बेंगलुरु के जेपी नगर सेवा केंद्र पर 21वीं शिव जयंती के शुभ अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के सूर्य प्रभा ने शिव ध्वजारोहण कर सभी को इस उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए केक काटा। साथ ही 108 शिवलिंग की सुंदर प्रतिमाएं भी सजाई गई। इस दौरान बी के सूर्य प्रभा ने सभी को इसके आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत किया। ओडिशा में ढेंकानाल सेवा केंद्र में टच द लाइट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अवार्ड एंड मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित निरंजन दास ने बताया कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हो रही है। मैं सेवा केंद्र प्रभारी बी के उषा ने टच द लाइट प्रोग्राम की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले 45 बच्चों को अवार्ड व सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के ओम शांति नगर सेवा केंद्र द्वारा कोदांडा राम मलायम टेंपल में 3 दिवसीय भगवत गीता का आयोजन किया गया, जिसमें गीता विशेषज्ञ बी के वीणा ने उपस्थित सभी जनों को गीता में वर्णित आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को स्पष्ट किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बी के गीता भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। नई दिल्ली में नेहरू प्लेस सेवा केंद्र द्वारा एलएनटी ऑफिस में राजयोगा मेडिटेशन पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कालकाजी से प्रोफेशनल ट्रेनर बी के सुनीली ने वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि जब तक मन का बैलेंस नहीं होगा तब तक जीवन के किसी भी कार्य का बैलेंस नहीं हो सकता। इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए जीवन में मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को कुछ गेम्स भी कराए गए, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। इस मौके पर बी के संध्या समेत संस्था के कई सदस्य भी उपस्थित रहे।
कोलकाता के बारानगर सेवा केंद्र द्वारा रथतला इमामी फैक्ट्री में शिव जयंती का रहस्य बताते हुए राज्य क्लास कराया गया, जिसमें राज्य शिक्षिका बीके पिंकी, बीके विष्णु और बीके जयंती व कंपनी के ऑफिसर तथा स्टाफ शामिल रहे। इस मौके पर बीके विष्णु ने बताया कि राजयोग से हम अपने आप को पहचान सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया, जिससे सभी ने असीम शांति की अनुभूति की। उत्तर प्रदेश के अलीराजपुर में जन जन को संदेश देने के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 से भी अधिक भाई बहनों ने हिस्सा लिया। ये रैली नाना पावागढ़ भवानी धाम से गांव-गांव होते हुए अलीराजपुर में दीपा की चौकी ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंची, जहां बीके लालू, बीके ललिता और अनेक सदस्यों ने रैली का स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी संतोष महाराज, स्वामी मदनदास महाराज को बीके ललिता ने ईश्वर सौगात दी तथा शिव और शंकर के अंतर को स्पष्ट किया। अंत में सदस्यों ने रैली को हरी झंडी देकर पावागढ़ की ओर रवाना किया। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने बताया कि हमारी विचार शक्ति का हमारे जीवन की सुख शांति पर कैसे प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही समय की पुकार सुख शांति का मिले सर्व को उपहार थीम के अंतर्गत द्वारका सेक्टर 19A, सुभाष नगर, नारायण विहार समेत लगभग 31 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ साथ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बहुत ही उमंग उत्साह के साथ बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। हजारों लोगों को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश देने के साथ साथ तनाव मुक्त जीवन जीने की कला भी सिखाई। हरियाणा के बहल सेवा केंद्र में संस्था के 80 वर्ष पूर्ण होने पर शिव संदेश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बहल थाना के ASI ओम प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। इस यात्रा में शिव और शंकर के अंतर को स्पष्ट करते हुए झांकी भी निकाली गई। वहीं ASI ओम प्रकाश ने सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में इस यात्रा से प्रेम, शांति और भाईचारे की भावना ग्रामीण लोगों में आएगी और भगवान में आस्था बढ़ेगी। इस यात्रा के झप्पा कला पहुंचने पर गीता पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें सरपंच दिलीप गोदारा, ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप, बहल सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने शिव ध्वजारोहण किया और बुराइयों को छोड़ने की अपील की। गुजरात में कच्छ के गांधीधाम में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांधीधाम दिवस मनाया गया, जिसमें अनेक संस्थाओं एवं स्कूलों की झांकियों के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शिव शंकर की चैतन्य झांकियों का भी आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में नगरपालिका प्रमुख गीता गणात्रा, कारोबारी चेयरमैन ताराचंद, बीके भारती, बीके उषा समेत अनेक बीके सदस्य शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। महाराष्ट्र में राहुरी के श्री बाला साहेब वाड़ी सेंट्रल स्कूल में बच्चों के लिए नैतिक मूल्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के निदेशक दत्तात्रेय बाला साहेब वाणी, मुख्य अध्यापक लीलावती जाधव, माउंट आबू से आए बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बीके भगवान ने बताया कि समाज में बढ़ती हिंसा तथा अपराध एक चिंता का विषय है, इसलिए अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा का होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निराकार परमात्मा शिव का ध्वज फहराया गया, जिसमें सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने शिवरात्रि के रहस्य के बारे में सभी को बताया कि कैसे परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें। इस अवसर पर बीके शील, बीके सुमित्रा, बीके पूनम समेत अनेक भाई बहन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश ग्वालियर के दीनदयाल नगर में 7 दिवसीय संगीतमय गीता प्रवचन माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके दीपा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजरी ने गीता के रहस्यों के बारे में बड़े ही रमणीकता पूर्वक जानकारी दी। चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 42 के गीता पाठशाला में शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 44C सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने परमात्मा शिव का परिचय दिया तथा बीके मनु ने सभी को शिवरात्रि की बधाइयां दी। वहीं शिव ध्वजारोहण भी किया गया। पूछते हैं कि भगवान अगर सृष्टि पर आया है, उसका पाठ चल रहा है, तो भगवान में ना चमत्कार, लोग तो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं ना, तो कहते हैं भगवान अगर आप कहते हैं तो उसका चमत्कार क्या है, तो बाबा ने खुद उत्तर दिया उसका,
बाबा ने कहा ये चमत्कार है गृहस्थ जीवन में पवित्रता। हर रोज इतनी खुशियां, हर रोज जन्म दिवस और बाबा के मधुर महावाक्य हमारे लिए हर रोज की शुभ बधाइयां हैं, क्योंकि बाबा को मालूम है कि जितना बच्चा पावरफुल और उतना ही उसकी वृत्ति वाइब्रेशन वो सब कार्य करने लग जाएगा और बाबा का कार्य बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। ऐसे ही सेक्टर 43 के गीता पाठशाला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 44वीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता व बीके मनु समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने शिव ध्वजारोहण किया और विकारों से मुक्त बनने की सभी से प्रतिज्ञा कराई। बच्चा पैदा होता है तो एक एक दिन करके प्रोग्रेस होती है, हर दिन प्रोग्रेस होती है, लेकिन फिर भी 2 साल में चलना सीखता है, 1-2 साल लगा देता है चलना सीखने में, बोलना सीखने में। और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ दिनों में ही चलने लगते हैं, महीनों में उड़ने लगते हैं और कुछ साल भर में तो औरों को भी उड़ाने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश रीवा के खटकरी उपसेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत स्वच्छ व सुंदर भारत एवं व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम शासकीय हाई स्कूल पतुल नकी में रखा गया, जिसमें उपसेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रद्धा, चाक घाट से आई डॉक्टर अर्चना, स्कूल के इंचार्ज चंद्र प्रताप शुक्ला समेत कई शिक्षक व बच्चे उपस्थित रहे। इस दौरान बीके श्रद्धा ने स्वयं की पहचान देते हुए कहा कि सभी स्वच्छ सुंदर आत्मा है, हमें आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए परमात्मा से बुद्धि योग लगाने की आवश्यकता है, जिससे हमें स्वच्छ व सुंदर भारत बनाने का लक्ष्य हासिल हो सकता है। वहीं किसान नेता यज्ञ नारायण सिंह ने घर घर में शौचालय बनाने की बात कही। गुजरात के जामनगर सेवा केंद्र पर पोडार इंटरनेशनल स्कूल के 6ठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बच्चों को सिखाया गया कि मन और बुद्धि की शक्ति के द्वारा हम एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई गई। ओडिशा में खोरदा सेवा केंद्र द्वारा शिव संदेश अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत शिव मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुराधा, बीके जय कृष्णा, डॉक्टर स्नेहलता मलिक समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई गांवों के लोगों को ईश्वर संदेश भी दिया गया। राजकोट के मेडिकल कॉलेज में स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र द्वारा वैल्यू गेम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीके चन्मय, बीके लखी कुमार और बीके ब्रिजेश ने डॉक्टर सुहागी समेत कॉलेज के मेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट्स को मूल्य आधारित खेलों के द्वारा मूल्यों का जीवन में क्या महत्व है इससे अवगत कराया। दिल्ली में शिव जयंती के उपलक्ष्य में मंगोलपुरी सेवा केंद्र द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राखी विरलन ने अपनी शुभकामनाएं दी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, ईस्ट पटेल नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजश्री समेत अनेक सदस्यों ने परमात्मा द्वारा पिछले 80 वर्षों से दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लेने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। जयपुर के सांगानेर में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आरके पब्लिक स्कूल में आयोजित इस सेमिनार में जयपुर राजापाक सबजोन प्रभारी बीके पूनम ने कहा कि हर एक आत्मा का अपना पाठ है, इसलिए कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। वही प्राकृतिक चिकित्सक बीके जमीला ने कहा कि हमारा अंतर्मन एक जिम की तरह ही है, जैसा हम विचार करते हैं हमारा अंतर्मन वैसा ही कार्य करना शुरू कर देता है, इसीलिए हमें सदा सकारात्मक विचारों का ही सेवन करना चाहिए। इस दौरान आरके पब्लिक स्कूल के निदेशक मनोज कुमार, मानव मित्र मंडल के अध्यक्ष मोहन शर्मा, सांगानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे, जहां बीके सदस्यों ने अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट कर सम्मानित किया। पंजाब में जलंधर के आदर्श नगर सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज के निर्देशन में निकाली गई प्रभात फेरी में बीके कृष्णा समेत अनेक बीके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान धरती पर आ चुके हैं इस बैनर के माध्यम से अज्ञान नींद में सोए हुए कुंभकर्णों को जगाने का प्रयास किया। सूरत में डिंडोली के मातृभूमि स्कूल में सोच को दे एक नई उड़ान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने कहा कि सोच ही मनुष्य के व्यक्तित्व और उसके भाग्य का निर्माण करती है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजना, बीके गीता, बीके जिज्ञासा, साधना भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, पार्षद राजेंद्र उपाध्याय, दीप दर्शन स्कूल की प्राचार्य लीना ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। यूपी में आगरा के नंदगांव रोड कोसी सेवा केंद्र द्वारा हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि मनाई गई, जिसमें आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला, कमलानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योतिषना, योगेश कुमार ने उपस्थित लोगों को शिवरात्रि की बधाइयां दी और बुराई छोड़कर दैवीय गुण धारण करने का संकल्प कराया। वही कार्यक्रम से पूर्व गाँव में रैली भी निकाली गयी, जिसमे सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अबुरो शांतिवन के दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर में पीसीबी, बीएससी, पीजी, एमएससी कोर्स के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों को अलग अलग मूल्यों पर ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर युवा प्रभाग के सदस्य ज्ञान सरोवर के बीके वीरेंद्र ने बताया कि मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक है, इसके साथ ही जीवन का लक्ष्य भी बताया। नागपुर के सावनेर सेवा केंद्र पर सफलता के रहस्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने बताया कि सकारात्मक दृष्टिकोण एवं कार्य के प्रति समर्पण सफलता का मुख्य आधार है। कार्यक्रम में विधायक सुनील खेड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट एवं स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। उत्तराखंड में देहरादून के रत्नपुर गीता पाठशाला में शिव जयंती महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शिक्षिका बीके नीलम ने उपवास का अर्थ बताते हुए कहा कि उपवास अर्थात ईश्वर के पास वास करना है। कार्यक्रम में प्रधान तगामुल हुसैन, बीके शिवानी, बीके विक्रम की उपस्थिति में शिव ध्वज लहराकर सभी ने एक दूसरे को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाने वाले एवं सुख शांति का राज्य स्थापन करने वाले भगवान शिव के अवतरण के यादगार दिवस महाशिवरात्रि के अवसर पर राजस्थान के उदयपुर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, उद्योगपति इंद्र प्रकाश जेठमलानी, हरीश जेठमलानी, माउंट आबू से आईपीएस न्यूज डिपार्टमेंट की टीम की उपस्थिति में संस्था से जुड़े अनेक लोगों ने शिव ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने कहा कि जब संसार में पापाचार व भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब परमपिता शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर अपने ज्ञान एवं राजयोग से मनुष्य को देवता एवं पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने का दिव्य कार्य करते हैं। वही माउंट आबू से आए पीस न्यूज डिपार्टमेंट के वरिष्ठ सदस्य बीके हरीश ने कहा कि मानव को देव एवं कलयुग को सतयुग बनाने का कार्य परमात्मा करा रहे हैं, इसलिए इसमें संपूर्ण रूप से सहयोगी बने। साथ ही बीके शंकर ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सारे कल्प में एक ही बार परमात्मा पिता इस धरती पर अवतरित होते हैं एवं अपने बच्चों से मिलते हैं। राजस्थान के भरतपुर में उप सेवा केंद्र द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव, जवाहर इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्रीकांत वर्मा, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, राज्य शिक्षिका बीके बबीता, बीके सुरीता की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव ने कहा कि आज ब्रह्म कुमारियां जो सेवा कर रही है वो समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही बीके कविता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश देने के लिए गांव-गांव में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज और नारे लगाते हुए बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान के चिड़ावा में आयोजित शिव अवतरण आध्यात्मिक प्रवचन माला का शुभारंभ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार, माउंट आबू से आए यातायात प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश, नारनौल सेवा केंद्र प्रभारी बीके रतन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वही चौधरी कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में अरविंद कुमार ने कहा कि व्यक्ति यदि खुश रहना व प्यार से काम करना सीख जाए तो कोर्ट में मुकदमे व केस आना ही बंद हो जाए। साथ ही बीके सुरेश ने बताया कि खुशहाल जीवन जीने के लिए पहले मन को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, क्योंकि मन में नकारात्मकता के कारण ही खुद दुखी होते हैं। अंत में अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट कर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के हरदा में स्वर्णिम प्रशासन मध्य प्रदेश जागृति अभियान के आगमन पर स्थानीय सेवा केंद्र ओम शांति भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ,
जिसका शुभारंभ विधायक डॉक्टर आर के दोबने, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन एवं भोपाल जोन की निदेशिका बी के अवदेश समेत अनेक लोगों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान डॉक्टर दोगने ने कहा कि खुश रहेंगे तो सब काम अच्छे होंगे। साथ ही भोपाल जोन के निदेशिका बी के अवदेश ने मर्यादित एवं शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया। वहीं बी के पूजा ने तनाव मुक्त जीवन बनाने की कई विधियां सिखाई। वहीं कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के भागवती, बी के राजेश सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नागपुर के मोंदा में राजकमल बाबू राव निड़के महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बी के भारत भूषण ने सदा खुश रहने के लिए अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखने की बात कही एवं आत्म सशक्तिकरण के लिए राज्यों को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। इस कार्यशाला में प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद गावड़े, डॉक्टर बोरेकर तथा सेवा केंद्र प्रभारी बी के अर्चना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सर्व आत्माओं की सदगति दाता भगवान शिव के अवतरण का यादगार पर शिवरात्रि पर रैली निकालकर सर्व आत्माओं को पवित्र बनो योगी बनो का संदेश दिया, जिसमें गोंडा थाना के अध्यक्ष माउंट आबू साय बी के सुरेश, हरदुआ गंज सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुरेश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही अलीगढ़ के कोरियागंज में सर्व की जीवन नैया को पार लगाने वाले परमात्मा शिव की जयंती पर ध्वजारोहण किया गया व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कोरियागंज नगर पंचायत के अध्यक्ष इरफान पहलवान ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे जो मैं नेक काम करके जनता की सेवा करता रहूं। कार्यक्रम में बीके कमलेश ने कहा कि यहाँ की जनता द्वारा गीता पाठशाला का सुंदर भवन तैयार किया गया, जिससे ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश यहाँ से चारों ओर फैलेगा। ईश्वरीय सेवा के बढ़ते क्रम में अलीगढ़ के पनेठी में भी दुख हरता व सुख करता भगवान भोलेनाथ की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीके सदस्यों सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर जन जन को आने वाली नई दुनिया का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही साध्वी सुधा ने कहा कि परमात्मा एक है, उसे याद करने से हमें सुख शांति व पवित्रता की अनुभूति होती है। वही आध्यात्मिक संस्थान के संचालक राजकुमार भारद्वाज, बीके मीना, बीके हेमा एवं अन्य बीके सदस्यों सहित कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं अलीगढ़ के मुस्लिम बाहुल्य नगर पिलखना में भी शिव जयंती महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहम्मद खालिद ने झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बीके सदस्यों सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर सभी को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। इस कलश यात्रा की मुख्य विशेषता यह रही कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। वहीं पंजाब के फिलौर स्थित राहौर में भी शिवरात्रि का पर्व मनाया गया, जहां नवाशहर की विधायक गुरी कबाल कौर, नगर अध्यक्ष हेमंत कुमार, फिलौर सेवा केंद्र की बीके राज, बीके अंजू और बीके राकेश समेत अनेक सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर खुशियां मनाई। गाजियाबाद के वसुंधरा में शिव जयंती के उपलक्ष्य में वैशाली व रामप्रस्थ ग्रीन के सभी मुख्य स्थानों में प्रभात फेरी निकालकर यह संदेश दिया गया कि परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, अब उनसे राज्यों द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर लें। साथ ही बीके रंजना के निर्देशन में निकाली गई इस प्रभात फेरी में बीके सदस्यों ने नारे लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। राजस्थान में भरतपुर के कुम्हेर में निराकार परमात्मा के यादगार पर महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी नीरज कुमार मीणा ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये संस्था विश्व में अध्यात्म का संदेश दे रही है। योग के माध्यम से विश्व हमसे जुड़ रहा है, वो जो भौतिकतावाद था वापस अध्यात्म की ओर लौट रहा है, और अध्यात्म कहाँ मिलेगा हमको, भारत में मिलेगा। तो ये जो संस्था है वो अध्यात्म का संदेश दे रही है कि भाई अब अध्यात्म की ओर बढ़ो, निस्वार्थ सद्भाव, मन कर्म और वचन की शुद्धता रखो, पवित्रता रखो। इस अवसर पर ध्वजारोहण के साथ रैली भी निकाली गई, जिसमें अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। साथ ही भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने ब्रह्मा बाप समान जीवन बनाने की प्रतिज्ञा कराई। नगर पालिका के मेन मार्केट में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में कुम्हेर के उपाध्यक्ष विमलेश खंडेलवाल,
भरतपुर सेवा केंद्र के सह संयोजिका बी के बबीता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित मेजा रोड में शिवरात्रि के पावन पर्व पर झंडारोहण किया गया, जिसमें बीके शालिनी ने यज्ञ का परिचय देते हुए कहा कि ये परमात्मा द्वारा चलाया जा रहा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, जिसकी स्थापना सन 1937 में परमपिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके की थी। वहीं बीके शैलजा ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व बताया। उत्तर प्रदेश के आगरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें जन जन को परमात्मा पिता का परिचय देते हुए पवित्र बनो योगी बनो का संदेश दिया। ग्राम पच गई खेड़ा में निकाली गई इस प्रभात फेरी में आगरा म्यूजियम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माला, बीके ऋषि ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि मनुष्य अज्ञान नींद में सोए रहने के कारण जब दुखी होता है, तब शिव पिता ज्ञान का प्रकाश फैलाकर दुनिया में सुख शांति का राज्य स्थापन करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी के मुख्य अभियंता के जैन, केंद्रीय विद्यालय सारणी के प्राचार्य पीवी धोटे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारणी शाखा के प्रबंधक एके स्वामी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के संचालिका बीके मंजू ने कहा कि स्वयं का तथा परमपिता परमात्मा का सही परिचय न होने के कारण आज हर मनुष्य आत्मा भटक रही है, साथ ही अपनी बुराइयों का त्याग कर सच्ची शिवरात्रि मनाने की बात कही। परमपिता परमात्मा शिव, जिसकी हम अभी शिवरात्रि मनाने के लिए जा रहे हैं, आपने देखा होगा एक शिवरात्रि और दूसरा नवरात्रि, ये दो हम हमारे यहाँ पर बहुत प्रचलित है जिनकी रात्रि मनाई जाती है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों सहित बीके सदस्यों ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीके सुनीता ने क्रोध मुक्त जीवन की प्रतिज्ञा करवाते हुए 81 दीपक जलाते हुए सभी को शिव जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। ओडिशा के अस्का में शिव जयंती के अवसर पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व टेक्सटाइल मिनिस्टर राघव परीदा, पोस्ट मास्टर रविंद्र सुबुदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बीके प्रभाती ने कहा कि हमने शिवलिंग के दर्शन तो बहुत किए, लेकिन अब समय है उनसे संबंध जोड़ने का, क्योंकि वही ही हमारे परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु हैं। उत्तराखंड के देहरादून में शिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही देहरादून सबजोन प्रभारी बीके प्रेम लता ने कहा कि अक व धतूरा जैसे कांटे के समान आज के मानव को भी परमात्मा शिव स्वीकार कर दैवे गुणधारी फूल बनाते हैं। इस अवसर पर सिलौंदी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार जैन, भंडारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर डी के भंडारी, हनुमान मंदिर समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर, ऋषिकेश सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती एवं कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सार्थक कुमार, बीके सविता, बीके तारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में सर्व की जीवन नैया को पार लगाने वाले परमात्मा पिता का यादगार महाशिवरात्रि पर्व पर आध्यात्मिक रैली निकाली गई, जिसमें बीके सदस्यों सहित कई लोगों ने शामिल होकर जन जन को परमात्मा पिता का संदेश दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजश्री के मार्गदर्शन में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान ध्वजारोहण भी किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 11 स्थित सेवा केंद्र द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदर चैतन्य देवियों की झांकियां सजाई गई एवं झांकी के माध्यम से शिव और शंकर में अंतर बताया गया। इस दौरान बीके सदस्यों सहित अन्य लोगों ने अपने वाहनों द्वारा शहर के मुख्य मुख्य स्थानों में परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुन्नी के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में निकाली गई इस रैली में अध्यात्म के साथ साथ उत्साह भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में पनवेल के कई स्थानों पर 81वीं शिव जयंती के अवसर पर शिवरात्रि कैसे लाती है जीवन में सुख शांति का सवेरा, इस विषय पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने प्रकाश डाला। साथ ही डॉक्टर दिलीप नलगे और राज्य शिक्षिका बीके शकुंतला ने कहा कि इस सृष्टि चक्र में एक ही बार परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, इसलिए हमें इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लेना चाहिए।
महाराष्ट्र के कोलार के एक स्थानीय स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर आयोजित कार्यशाला में माउंट आबू से आए वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बी के भगवान ने कहा कि सिनेमा टीवी से बचना है क्योंकि यही स्वयं के व समाज के पतन का कारण है। साथ ही उन्होंने बेटियों की उन्नति के लिए कहा कि आज की बेटियां कल का भावी समाज है, यदि इन बेटियों को नैतिक सद्गुणों की शिक्षा से चरित्रवान बनाया जाए तो बेहतर समाज बन सकता है। साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं कनिष्ठ महाविद्यालय में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में प्राचार्य सोमनाथ दीघे, सहायक शिक्षक प्रमोद घोलक, SN दीघे, राज्य शिक्षिका BK पद्मा एवं BK शिवाजी सहित कई विद्यार्थी शामिल रहे। इसी क्रम में निवासा में भी नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें BK भगवान ने कहा कि नैतिक मूल्यों की कमी ही व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सर्व समस्याओं का मूल कारण है। श्री दादा साहेब हरिभाऊ घाटगे पाटिल विद्यालय में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में संस्था प्रमुख साहेब राव घाटगे, सोपान गाले, राज्य शिक्षिका BK वंदना समेत कई छात्र उपस्थित थे। इसके साथ ही राहुरी फैक्ट्री में स्थित कर्मवीर कैरियर एकेडमी में तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें BK भगवान ने कहा कि व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंट क्वालिटी को तो बढ़ा रहा है लेकिन मोरल व स्पिरिचुअल क्वालिटी को कमजोर करता जा रहा है। इसी के लिए उन्होंने नैतिक मूल्यों को धारण करने एवं अपनी सोच को सकारात्मक रखने की बात कही। कार्यक्रम में मेजर राजेंद्र कड्डू पाटिल, जनरल शिक्षक पांडुरंग पाटिल, सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति, BK गणेश एवं बड़ी संख्या में पुलिस जवान उपस्थित रहे। खबरें सुपर फास्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया भर की खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।